ISN24 पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं KSN24। KSN24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उधम सिंह नगर के खतीमा सितारगंज के चिकाघाट मेले से लौटते हुए लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नानकमत्ता के पास पलटने का मामला सामने आया है। ट्रैक्टर के पलटने से बाइक में जा रहे पिता पुत्री भी उसकी चपेट में आ गए, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। लोगों द्वारा बाइक सवार मृतक की पुत्री और ट्रैक्टर में सवार 5 घायलों को खटीमा नागरिक ले जाया गया, जहां उपचार चल रहा था। डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल में लाए गए घायलों में से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मृतकों में 2 नाबालिग बच्चे भी हैं। हादसे के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। एक और महिला की बच्ची की माँ है, उसकी सीरियस कंडीशन में यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। इधर नागरिक चिकित्सालय में आधा दर्जन लोगों को लाया गया है, जिनमें से एक बच्ची जो कि 1 साल की है वो मृत है, और एक 13-14 साल का लड़का मृत अवस्था में लाए गए हैं। एक महिला की हालत जो काफ़ी गंभीर थी, उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। अन्य घायलों में कुछ माइनर इंजरी है, उनका उपचार जारी है। और बुलेट सवार व्यक्ति जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हुआ ऐसा बताया गया है, उनकी वो पिता पुत्री थे, जिन्हें पुत्री का इधर लाया गया है, लेकिन पिता जो है वो एट स्पॉट जो सूचना है कि वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिला के 3 लोगों की मौत हो गई है। जी 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 जी। तो बाकी वो उपचार जारी है। बाकी उपचार अधीन। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN24 न्यूज़।